Can you hear me now? Can you hear me now? Is it better now? Can you hear me now? Abhi theek hai? Yes, ma'am. Fine, okay, perfect. Sunai de raha hai? Theek hai. Awesome. कोई एको शेको तो नहीं हो रहा? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं, टीनो फोरा शुरू करते हैं. आज मेंटी है, सो स्टे ट्यून्ड, वी हैव द मेंटी टुडे. पहले पढ़ा देती हूँ, फिर बढ़िया से मेंटी कर देंगे, ठीक है ना. वानी सुफा वेदांत इज माई ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी. आप प्लीज जाइए, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछ लीजिए. आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू. एंड गाइस, इन द नेक्स्ट 6 आवर्स, 7 बज चुके, 8 9 10 11 12, इन द नेक्स्ट 5 आवर्स द एड फेस्ट इज गोइंग टू गेट ओवर. 5 घंटे और बचे हैं, 5 मोर आवर्स द एड फेस्ट इज जस्ट गोइंग टू गेट ओवर. सो प्लीज चले जाइए, एड फेस्ट का पार्ट बन जाइए. आपका टर्म 1 हो या आपका ऑब्वियसली नीट की तैयारी हो जिसके साथ टर्म 1 फ्री है, तो ये सारी चीजें आपको हाफ द रेट 50% ऑफ पे मिल जाएंगी. क्लास के बाद मैं मॉलिक्यूलर बेसिस का वन शॉट रिवीजन मेंटी क्विज करा रही हूँ. कल प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड डिवीजन के मेंटी क्विज करा रही हूँ. एनिमल किंगडम का कल क्विज है, तो इसी बात पे कर दीजिए बहुत अमेजिंग सा लाइक शेयर सब्सक्राइब. मेक श्योर यू ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ वेदांत फैमिली. एंड चलिए आगे चलते हैं. सीबीएसई टर्म 1 का जो क्रैश कोर्स है उस पे 50% ऑफ है गाइस. आपके नीट पे इस पे तो 85% ऑफ है, नीट पे 50% ऑफ है. 25th अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 85% ऑफ. 10,000 का कोर्स अगले सिर्फ और सिर्फ 4 आवर्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 का मिल रहा है. पूरी थ्योरी कर लीजिएगा, टेस्ट दे दीजिएगा, एवरीथिंग. भले आपने नीट की तैयारी करनी हो, किसी की भी करनी हो, वीडी प्रो आपका कोड है. लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग, टेस्ट, असाइनमेंट, डिस्कशंस, हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ. और क्लास के बाद मेंटी क्विज भी है. चलो सबसे पहले पढ़ते टीरो फोरो, फिर आगे बढ़ेंगे. तो आ जाइए, लेट अस गेट स्टार्टेड. डन, ब्लू कलर से लिखेंगे, इसके ऊपर दिखाई देगा. तो कल भी मैंने आपको बोला इनके पास भी 2 लेयर्स हैं. कितनी लेयर्स हैं? 2 लेयर. जिसके पास 3 लेयर्स होती है उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, जिसके पास 2 लेयर्स होती हैं उसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. इनके पास होते हैं टिश्यूज, सो इट हैज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सिमेट्री होती है बाय रेडियल. सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की जो लेयर है इसका नाम होता है मीसोडर्म. क्या नाम होता है? मीसोडर्म. एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की लेयर मीसोडर्म, विच इज अ जिलेटिनस लेयर. मीसोडर्म क्योंकि नहीं है बिकॉज डिप्लोब्लास्टिक है, तो जैसे 2 ब्रेड के स्लाइसेस के बीच में आप बटर भरते हैं, यू हैव द मीसोग्लिया विच इज द स्टिकी लेयर बिटवीन द 2 लेयर्स. इज दैट क्लियर? इनके पास भी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होगी जिससे वाटर फ्लो करेगा. नर्वस सिस्टम इनके पास भी नर्व नेट के फॉर्म का होगा. समझ आ रहे बच्चों? डन, पक्का. कल क्विज है, आपको पता है ना. टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस यू हैव द मेंटी क्विज. डन, चले आगे. राइट, प्लेटी एलिमेंटस कराती हूँ. फ्लैट वर्म्स, आगे बढ़ते हैं. तो आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड इज नॉट क्लियर. दिख क्लियर तो है बेटा, क्या बातें कर रहे हो. बोर्ड इज नॉट क्लियर, इट्स 100% क्लियर. चले चलो आगे बढ़ते हैं. तो बेटा इनके अंदर ऐसी चीजें आती हैं जिनको हम सी वॉलनट्स, जिनको हम खूम जेलीज कहते हैं. टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. सेल जो है वो सिर्फ स्पॉन्जेस में है. सेल्स होते हैं लाइक क्वोनोसाइट्स, लाइक आर्कियोसाइट्स, लाइक फिनाकोसाइट्स. यहां पे टिश्यू बन गए हैं. एंड डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है दे हैव 2 जर्म लेयर्स. कितनी लेयर्स है बेटा इनके पास? दे हैव 2 जर्म लेयर्स. पानी में रहते हैं, वो भी जनरली सॉल्टी वाटर, मरीन, सॉलिटरी. पेलाजिक का मतलब है जो भी चीजें फ्लोट करती रहती हैं. बेंथिक का मतलब होता है बॉटम ऑफ द ओशन में रहते हैं. एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है. सेल के बाहर भी डाइजेशन करते हैं मटेरियल सिक्रीट करके एंड इनसाइड द सेल. कैन यू सी दिस? इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको कूम प्लेट्स कहते हैं. सो इफ यू सी द प्लेट्स, दीज आर रेफर टू एज द कूम प्लेट्स. क्या कहलाते हैं ये? कूम प्लेट्स. इज दैट क्लियर एवरीबडी? डन,
ठीक है, टेंटिकल्स में भी प्रेजेंट. आपको टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं, आपको ये प्लेट्स नजर आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर याद रखिए. सो दे आर 8 कूम प्लेट्स. हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर? 8 मीडियन कूम प्लेट्स व्हिच हेल्प यू इन लोकोमोशन. एमसीक्यू, दे हेल्प यू इन लोकोमोशन. सो टेंटिकल्स में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, एंड दे हैव 8, दे हैव 2 टेंटिकल्स, देखिए आपको 2 और 8 आपको कूम प्लेट्स नजर आएंगी. देख लीजिए, डेलिकेट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और ये देखो कूम प्लेट्स आपको नजर आ रही है, कूम प्लेट्स आपको नजर आ रही है. कल टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हो, मेंटी का टेस्ट होगा कल इसी टाइम पे, सेम क्लास, वी विल टेक अ मेंटी टेस्ट. नाउ सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मेल एंड फीमेल एक जैसे लिखते हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, रिप्रोडक्शन करने का तरीका सिर्फ सेक्सुअल होता है. फर्टिलाइजेशन, दोनों गैमीट्स जो है वो बॉडी से बाहर आते हैं. So fertilization is external with indirect development. Indirect development का मतलब होता है there is no larval stage. Tenoplana, Pleurobrachia बहुत बार MCQ में आया हुआ है. Cestum hortifera, sea walnuts इनको कहा जाता है. Comb plates इनके पास होती हैं 8. ये तो इसके favorite question है. Done. Write you on the chat section. No larval stage. There is fertilization which is sexual, which happens externally. Is that clear, everyone? Write you on the chat section right now. Big you on the chat section right now. Chalo fir. Chalo fir. Aage chale. Aage chale. Outline of platyhelminthes. प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, जो भी चपटा होगा, जो भी फ्लैट होगा, उसको आपने प्लैटी हेलमेंथिस कह दिया. मेंटी क्विज आ रहा है तो प्लीज स्टे ट्यून्ड इन द क्लास, पूरे प्लैटी हेलमेंथिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कल इसका क्विज है, स्टे ट्यून्ड. फ्लैटेंड, डोर्सोवेंट्रली चिपके हुए, 3 जर्म लेयर्स होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, इसको नाम हो गया ए सीलोमेट. नो बॉडी कैविटी, सीलोम है ही नहीं, बॉडी कैविटी है ही नहीं, ए सीलोमेट. और जब भी आप इनको कट करेंगे, इनके 2 हाफ्स बनते हैं, तो इसको कह दिया मैंने बायलैटरली सिमेट्रिकल. एमसीक्यू का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कोई सेगमेंट नहीं होगा, इनकम्प्लीट गट होगा, कंप्लीट नहीं होगा, ये नहीं कि माउथ और एनस सेपरेट होंगे. इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं प्रोटो नेफ्रिडे. वर्ड्स याद है मैंने आपको कितने डिटेल में पहले वर्ड्स कराए, फिर मैं यहां पर पहुंचू. इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्रोटो नेफ्रिडिया, जो वॉटर को भी रेगुलेट करते हैं. मेल फीमेल जो है वो हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट. तो जो मेल फीमेल है वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में होते हैं, मेल फीमेल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उसे कहा जाएगा हर्माफ्रोडाइट. वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम. कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके जो मेंबर्स हैं वो चपटे हैं, क्योंकि ये चपटे हैं डोर्सोवेंट्रली, इसीलिए इनका नाम दिया गया है फ्लैट वर्म्स. देखिए सच अ ब्यूटीफुल डायग्राम, आपको ऐसे थिकनेस नजर नहीं आएगी. Because they are dorsoventrally flattened, we have named them flatworms. इनके अंदर कोई body cavity नहीं है, क्योंकि body cavity नहीं, इनका नाम दे दिया गया है acelomate. इनके पास 3 germ layers हैं, इसलिए इनका नाम दे दिया गया है triploblastic. इनके आप 2 equal half कर सकते हैं. That is why I've named them bilaterally symmetrical. I repeat, because they are flattened, I've called them flatworms. Because they don't have a body cavity, I've named them acelomate. Because they have 3 germ layers, I've called them triploblastic. Because when you cut them, you can make 2 equal halves, I've called them bilaterally symmetrical. Because they have organs, I've called them organ level of organization. Right, they have organs. So from the cells, we came to tissue level of organization. We have still not reached the organ system, but we've reached the organ level of organization. Study of flatworms is referred to as, insects of these types are referred to as helminthology. Helminthology. ये generally parasite होते हैं. अगर मैं आपको tapeworm बोलूँ, planaria, dugesia, liver fluke, ये body के अंदर parasites होते हैं. ये parasites usually endoparasites होते हैं because they stay inside the body. तब कई फ्री लिविंग होते हैं जो तैरते हैं, फ्री लिविंग जनरली एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट होता है, सिर्फ एक ओपनिंग होती है, वन ओपनिंग व्हिच इज कॉल्ड माउथ. इनके पास एनस नहीं होता. पैरासाइट होते हैं,
फ्री लिविंग है, पानी में भी पाए जाते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम की एक सिंगल ओपनिंग है माउथ, देयर इज नो एनस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट. अगर आप इनको बीच से ऐसे काट दोगे हॉरिजॉन्टली, दे विल हैव वेरी हाई रीजनरेटिव पावर, ये रीजनरेट कर लेते हैं. इसका नाम है जुगेसिया, इसका नाम है जुगेसिया जिसको प्लानेरिया भी कहा जाता है. यू कैन जस्ट कट इट लाइक दिस. इनके पास एक आई स्पॉट होता है जो फोटो सेंसिटिव होता है, इट टेल्स यू अबाउट द लोकेशन ऑफ द लाइट राइट और द सराउंडिंग्स. तो ये है इनके पास पॉलीक्लाइडिया, ट्राइक्लाइडिया राइट फैरिंग्स. ये इनके पास देखिए पॉलीक्लाइडिया, ट्राइक्लाइडिया ऐसे डिफरेंट टाइप्स होते हैं. इनके तीन हार्ब्स हैं, वहां पे बहुत सारे हार्ब्स हैं. अगर मैं इनका लेटिहेमेंथिस के बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी, सबसे पहले इनके पास एक हेड लाइक स्ट्रक्चर जिसमें आई स्पॉट्स या सेंसरी ऑर्गन्स डेवलप हुए थे, वो इनके पास स्टार्ट हुआ था. दिस इज रेफर टू अ सेफलाइजेशन. सेफलाइजेशन का मतलब एक हेड शेप का रीजन बनना शुरू हुआ, एक हेड टाइप का रीजन बनना शुरू हुआ. तो हेड टाइप का रीजन हम क्यों कहते हैं, बिकॉज यहां पर जो हेड टाइप का रीजन है उसमें इनके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं. तो ब्रेन जिसके पार्ट है गैंग्लिया, आई स्पॉट्स जो कि सेंसरी पोर्शन है. तो जब भी सेंसरी पोर्शन बनना शुरू होता है आई कॉल इट द आई स्पॉट. रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके पास नहीं होता है, हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास नहीं होता है, ये अपनी स्किन से ही रेस्पायर करते हैं. तो इनके पास रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, माउथ एंड फैरिंग्स है. सबसे पहले इनके पास ही हेड बनना शुरू हुआ था. आर यू आर फॉलोइंग? Wonderful slides, gotcha everybody. Cephalization is very important. See, if I talk about specially tapeworms, आपको दिखाई दे रहा है. इसमें मैं बहुत डिटेल के भी लेक्चर्स दूंगी, but this is basically the introductory lecture on this. तो आपको ये दिख रहा होगा hooks. तो ये hooks जो हैं, जो ये suckers हैं, there are four hooks. There are two rows of suckers. अब ध्यान से देखो, एक ऊपर है, एक नीचे. There are two rows of suckers and there are four hooks. दो इधर, दो उस तरफ. तो ये head के area पे होते हैं, localized. This is referred to as cephalization. समझ में आया आपको? इसे हम सेफलाइजेशन कहते हैं. तो ये जो एंटीरियर एंड है, इस एंटीरियर एंड पे जहां दो रोज ऑफ हुक्स हैं एंड चार सकर्स हैं, इसे कहा जाता है, इस एंटीरियर एंड को कहा जाता है स्कॉलेक्स. व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड द स्कॉलेक्स. राइट दिस डाउन. आई रिपीट अगेन, व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड द स्कॉलेक्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनका नर्वस सिस्टम लैडर के हिसाब का है. पिछला नर्वस सिस्टम जो मैंने आपको पढ़ाया वो नर्व नेट था. ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है. इनका नर्वस सिस्टम लैडर के शेप का है. इनके पास ब्रेन है और दो लॉन्जिट्यूडिनल ट्रंक्स हैं. दो ये ब्रेन का पार्ट होगा सेफलाइजेशन के पास, दो लॉन्जिट्यूडिनल ट्रंक्स. ब्रेन ये देखिए कैसा लैडर शेप का है. प्लीज इन वर्ड्स को याद रखिए. नर्व नेट देखिए, दो लैटरल कॉर्ड्स हैं राइट और लेफ्ट साइड, और अदरवाइज इट इज अ टाइप ऑफ लैडर लाइक समथिंग टू ग्रो ऑन टॉप राइट. इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रोटोनेफ्रीडिया विथ फ्लेम सेल्स होते हैं. तो जो फ्लेम सेल्स होते हैं ना बेटा, फ्लेम सेल्स जो है वो ऐसे नजर आते हैं, ऐसे. सो इसीलिए क्योंकि दे लुक लाइक फ्लेम, इनका नाम पड़ गया फ्लेम सेल्स. सो प्रोटोनेफ्रीडिया इनके पास मल्टीपल, ये देखिए आपके फ्लेम सेल्स है. अगर मैं आपको ब्लैक कलर से दिखाऊं शायद आपको ज्यादा नजर आएगा, ये फ्लेम सेल्स है राइट. दे आर दिस शेप, सो दे आर ऑफ दिस शेप, दैट इज व्हाई दे आर रेफर टू एज द फ्लेम सेल्स. ये वॉटर को बैलेंस करने में, ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं. फ्लेम सेल्स, एक्सक्रीटरी ट्यूब राइट. सो दिस इज द फ्लेम सेल. प्रोटोनेफ्रीडिया एंड फ्लेम सेल हेल्प इन एक्सक्रीशन. जब कोई भी एक्सक्रीट करेगा उसके साथ साथ पानी भी बाहर जाएगा, सो इट विल हेल्प इन एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मो रेगुलेशन. एक्सक्रीशन तो करेगा, इट विल ऑल्सो मेंटेन बैलेंस ऑफ वॉटर. Can you now see the shape of flame cell? Just look at the quality of slides, guys. Make sure you hit the like button and see the quality of slides. देखिए ये रहा आपका flame cell, flame cell, flame cell. ठीक है, ये जो cilia है ये beat करता है, material को filter करता है, and then the protonephridia is the one which is going to throw it outside. So they have so many flame cells. They have so many flame cells. You can just maybe see that. Every little while there is a flame cell and then you have an excretory pore through which it is sent outside. So the flame cell looks of this particular shape. It has cilia jo beat karke material ko bahar bhej dega.
अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, दैट मीन्स दे आर यूजुअली हैविंग ओवरी एंड टेस्टिस इन द सेम ऑर्गेनिज्म. बाइसेक्सुअल को हम यूजुअली हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा, बता दो वानी मैम को जल्दी से. हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट तो दोनों जो मेल प्लस फीमेल है वो एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं. सो दैट अगर किसी की बॉडी में कोई एक पैरासाइट भी है वो भी रिप्रोड्यूस कर सके. अगर किसी की बॉडी में कोई एक पैरासाइट भी है वो भी रिप्रोड्यूस कर सके. बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल जो है दे विल मीट इनसाइड द बॉडी ओनली. तो फर्टिलाइजेशन आपका इंटरनल हो गया. डेवलपमेंट में बहुत सारे लार्वल स्टेजेस होंगे, बहुत सारे लार्वा बनाएंगे. ये जो टेपवर्म है उसके लार्वल स्टेजेस पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, आजकल नहीं आ रहे, नया पैटर्न के हिसाब से एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, सो आई एम फॉलोइंग द न्यू पैटर्न. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बोला फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है, डुगेसिया में फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन मैंने आपको बोला प्लानेरिया और डुगेसिया में सबसे ज्यादा है, बाकियों में नहीं है, प्लानेरिया और डुगेसिया में सबसे ज्यादा है. तो आप देख ही रहे हो ओवरी और टेस्टिस एक में है, क्योंकि ओवरी और टेस्टिस एक में, इसको मैंने बाइसेक्सुअल बोल दिया, क्योंकि ओवरी और टेस्टिस एक में है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर सकता है. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इसके पास बहुत सारी लार्वल स्टेजेस होंगी. यू कैन कट इट लाइक दिस, व्हेन यू कट इट लाइक दिस इट डिवाइड इनटू टू. ऊपर वाले पार्ट की टेल बन जाएगी, टेल वाले पार्ट का हेड बन जाएगा. आई टोल्ड यू अबाउट फ्लेम सेल्स. फ्लेम सेल्स की शेप ऐसी है, इनके अंदर सीलिया है, सीलिया बीट करके मटीरियल को बाहर भेजता है. एंड इट हैज प्रोटोनेफ्रिडिया फॉर एक्सक्रीशन which consist of flame cells and excretory pore. इनकी तीन क्लासेस हैं. टर्बल एरिया जिसमें आते हैं डुगेसिया और प्लानेरिया, सबसे कॉमन है, मडी वाटर गंदे पानी में पाया जाता है, ऐसे कार्ड तो दो हाफ्स बन जाएंगे. सेकेंड आएगा ट्रेमेटोडा, लिवर फ्लूक, पत्ते की शेप का है, लिवर फ्लूक बहुत कॉमन है, लिवर एब्सेसेस कॉज करता है, लिवर में बहुत खतरनाक बीमारियां कॉज करता है लिवर फ्लूक. एंड ब्लड फ्लूक जिसका नाम है शिस्टोसोमा. टेपवर्म को कहते हैं सेस्टोडा. जनरली लिवर फ्लूक और टेपवर्म में आपको बहुत डिटेल में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ऑफ क्लास 12th में कराऊंगी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए. अब मैं आपको दिखाऊंगी एक वीडियो और हम चलेंगे मेंटी की तरफ. चलिए, तो ये रहा हमारा वीडियो. Wow! Among the most obscure animals on Earth. But near the base of our family tree, a similar creature was the first to move with intent. To explore the world. My God, look at it flat. Can you see it dorsoventrally flattened? And their direct descendants have spread to every corner of the world. Scientists have described about 20,000 different species of flatworms so far. Tenaciously surviving in almost every environment. On land. In the oceans. In freshwater ponds. And in the strangest habitat of all, inside the bodies of other animals. The development of the hunter is one of evolution's great success stories. Can you hear now? Like many flatworms today, the modern planarian is a smooth hunting machine. But so too were its ancestors, and they lived over half a billion years ago. Worm was the first to develop a new type of nervous system, a centralized one, hooked up to sensors at one end of the body. This was the first animal with a head,
Within it, the first brain. In that head were some stunning innovations. A pair of eyes. Eyes that could sense both the intensity of light and the direction from which it came. Placing sense organs near the brain helped fire signals to the rest of the body at top speed. Those signals could spark a sturdy set of muscles running down and around the entire body. These muscles, along with millions of tiny cilia, propelled the worm on a power glide over a self-made cushion of slime. Slime secrete karte hain. Talent for the hunt is a legacy from the ancient worm, the first animal to have sense organs in stereo. Two eyes, two nostrils, two ears. Stereo senses allow a hunter to sense exactly where its prey is by triangulation, then react and adjust in mere fractions of a second. See the eyes. The mouth of the flatworm, oddly, is not in its head. It's on the underside of the head. Mouth. From this mouth, the flatworm launches a device called the pharynx, which it uses to suck down its prey. Wow. See? As the planarians scavenge a fish, the pharynx goes into action. Can you see that? Bhulega nahi kabhi bhi life mein abhi. Dekho. Once inside, food moves through a gut so extensive it reaches to every square millimeter of the flatworm's body. Mouth is in the abdominal part. Rakhi, Shreya, Sneha. Some of the most sensational sexual habits in the animal world are found in the sandy shallows of the Great Barrier Reef off the coast of Australia. Over millions of years, some flatworms here have developed remarkable sexual equipment and strange ways to go with it. In fact, the first hunter was also the first animal with an internal system to deliver sperm to an egg. Bisexual, bataya tha aaj class mein. Dekho. Basic internal fertilization, class mein bataya tha, ab yaad rahega. The flatworm's ancestor combined the ability to move with a new way to mate. These innovations still define our sexual lives today. We may never know what the first animal courtship was like, but these flatworms can show us how even simple animals add their own twist. Flatworms are hermaphroditic. They have both sex organs. Being hermaphroditic is a great strategy to maximize the chances to reproduce. Animal kingdom mein video nahi dekho kaise samajh mein nahi aayega. But they were the first animals to pursue food and sex. They changed the shape of life on Earth. More than half a billion years of evolution separate these modern animals from ancient worms.
Yet even the most powerful beasts today are still built on the same plan. Bilateral, with a head and a tail, and sophisticated stereo senses directed by a brain. See, just complexity has increased. Built with this blueprint, and the same basic design builds a human today. It may be hard to believe, but humans and flatworms have a lot in common. Cells in a developing human are told when, where, and how to grow. All because an ancient worm was the first to assemble the genetic instructions for building this brand new kind of body. And it all began eons ago with a body that went out into the world and conquered. Isn't it beautiful? And what a lovely way to study. Perfect. Chale fir. Done. Menti. I told you, main aapko revise sab kuch karwa ke chhodungi. These videos are phenomenal. Isn't it? Chalo fir. Let's get to Menti Shanti. Ho jaye. Theek hai? Perfect. Chaliyo. Awesome blossom. तो फिर चलते आगे एस्केप कर देते हैं स्लाइड्स को एक सेकेंड ओके चलिए अच्छा गाइस ये तो आपको पता है लेक्चर चल रहा है आपका देखिए अच्छा गाइस ये तो आपको पता है लेक्चर चल रहा है ऑप्सीज वापस चल लेते हैं इसको रोक लेते हैं इसको भी रोक लेते हैं यहाँ आ जाइए अब शो मोड पे And guys, today is the last day, 8, 9, 10, 11, 12. Last 4 hours are remaining. हो सकता है आपको term 1, term 2 लेना है या आप NEET का ले लीजिए क्योंकि इसके साथ term 1, term 2 free है. Term 1, term 2 is absolutely free. You try this for 1 month with my code VD Pro for my classes and please don't forget it. Look at the price with VD Pro, 1500 rupees guys. 50% off last day. Bilkul miss mat kijiyega. Aapko pata hai pura detail mein padhaya jata hai theory, MCQs, everything. To matlab doubts, test, assignments, in-class doubts, in-class assignments, sab kuch hai. Please ise miss mat kijiye. Aa jaiye Menti pe 4324-2393. Aa jaiye. Bade dinon baad Menti kar rahe hain. Please go to menti.com 4324-2393. Chaliye. 4324-2393 menti.com. Dekhte kitne bachche aaj video ke baad ekdam badhiya perform karke le aate hain. 4324-2393. चलिए स्टार्ट कर दें चलिए स्टार्टिंग इन 5 4 3 Question number 1. Free living. किसी के बॉडी में पैरासाइट नहीं है बिल्कुल फ्री लिविंग है प्लानेरिया टीनिया सोलियम टेपवर्म फेशियोला हेपेटिका फेरेटी महर्थवर्म बताइए फ्लैट वर्म पूछा है एनेलिडा नहीं पूछा Starting
वाह मेरे बच्चों प्लैनेरिया ऑब्वियसली. बाकी दोनों क्या है? बाकी दोनों बॉडी में थायरोसाइट्स और लास्ट वाला थानेटेरा. क्वेश्चन नंबर टू चलिए. प्लैटीहेलमिंथस किसको रिप्रेजेंट करता है? अरे वाह 5 seconds. प्लैटीहेलमिंथस सेलुलर टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम या नन ऑफ द अबव. मैंने लिखवाया आपको ऑर्गन बेटा. टिश्यू लेवल तो सीलेंट ट्रेट्स में है. ऑर्गन चलो थर्ड. क्या है ये? चले ऑल आर प्लेटफॉर्म्स वेल डन. ऑल आर सेगमेंटेड नो ऑल हैव सीलोम ए सीलोमेट होते हैं. गुड बट आई एम हैप्पी. पहली बार में आप लोग इतना आंसर कर रहे हो. आई एम वेरी हैप्पी. क्वेश्चन नंबर फोर. Flame cells are excretory organs of planaria, hydra, hydrilla, cockroach. Well done. Planaria, Dugesia. फोटो दिखाई थी आपको मैंने. वेल डन. चलिए लास्ट क्वेश्चन. टेपवर्म्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम माउथ फ्रॉम सकर्स फ्रॉम आउटर सर्फेस और ऑल द अबव. कैन वी क्विकली गेट ओवर दिस. Tapeworms. Tapeworms. वीडियो में भी बताया मैंने आपको. सकर्स है माउथ है. वीडियो में भी बताया. फ्रॉम द ऑब्जर्व दे ऑब्जर्व टेपवर्म्स. दे डोंट हैव माउथ. एंडोपैरासाइट्स मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में होते हैं और उनकी बॉडी हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेती है. सरला कृष्ण अदिति चंद्र अल्ला पवित्र त्रिमन साफिया मिफ्रा मिश्ती एंड प्राची. सुपर अमेजिंग. बहुत अमेजिंग किया आपने. स्पेशली मेंटी वाले बच्चों ने तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग किया. अब जो 12th के बच्चे हैं वो दोबारा आ जाए 9 बजे. आज तो आपका स्पेशल क्विज है. एंड गाइस डोंट मिस दिस ग्रेड 11. एक महीना पढ़कर तो देखो देखो आपका लेवल कितना बढ़ता है. आप कितना इंप्रूव करते हो. जब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सिर्फ 1500 में मिल रहा है. पीसीएमबी चारों मतलब 300 रुपए भी एक सब्जेक्ट का नहीं हुआ यार. अलॉन्ग विद टेस्ट असाइनमेंट डिस्कशन एवरीथिंग. सो प्लीज डोंट मिस दिस. ज्वाइन कर लीजिए क्लासेस. कोड VDPRO 4 आवर्स में एक्सपायर हो जाएगा. कल आपका एनिमल किंगडम का क्विज होगा. सेम टाइम सेम प्लेस. बाय. सी यू गाइस. बाय.